विधियों मयंक ने दोहरा शतक जड़, विराट को दिखाया बला। कोहली ने इशारों में कहा 300 बनाओ। भारत बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे सीरीज पहले टेस्ट के दूसरे दिन इंदौर के होलकर मैदान पर टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल ने डबल धमाल कर दिया। उन्होंने 243 रन की पारी खेल तहलका मचा दिया। मयंक अग्रवाल ने जब अपना शतक ठोक कर अपने बल्ले को भारतीय ड्रेसिंग रूम की तरफ दिखाया तो विराट ने इशारा कर उनसे दोहरे शतक की मांग कर दी। अपने कप्तान की इस मांग को पूरी करने के लिए मयंक अग्रवाल बांग्लादेशी गेंदबाजों पर टूट पड़े। मयंक अग्रवाल ने विराट की मांग को पूरा कर दिखाया और दोहरा शतक जड़ दिया, लेकिन इसके बाद भी कप्तान कोहली ने मयंक अग्रवाल को 300 रन बनाने का इशारा किया, लेकिन मयंक कोहली की इस मांग को पूरा नहीं कर पाए और 243 रन बनाकर आउट हो गए। मयंक ने अपने करियर में दूसरी बार छक्का लगाकर दोहरा शतक पूरा किया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मयंक से पहले रोहित शर्मा ने 6 के साथ दोहरा शतक लगाया था। मयंक ने ओपनर के रूप में एक साल में 2 दोहरे शतक लगाने में वीरेंद्र सहवाग की बराबरी कर ली है। इंदौर टेस्ट में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश की टीम 150 रन पर ढेर हो गई। जवाब में भारतीय टीम अपनी पहली पारी में 6 विकेट पर 493 रन बना लिए हैं। उमेश यादव 25 रन और रविंद्र जडेजा 60 रन क्रीज पर है। अब भारत के पास 343 रन की विशाल बढ़त हो चुकी है, जबकि उसके 4 विकेट शेष हैं।